बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने नेस्टेड लूप की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ब्रेक और कंटिन्यू को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक हम ये पढ़ते आए हैं कि लूपिंग एक ऐसा तरीकेकार है जिसके जरिए आप एक ही तरह के कोड को बार बार रिपीट करवा सकते हैं। सपोज ये एक प्रोग्राम है जिसमें हम फॉर लूप के जरिए इन दो स्टेटमेंट्स को 5 times रिपीट करवा रहे हैं, और हम इस लूप की बॉडी से बाहर तभी आएंगे जब इस फॉर लूप में रखी ये कंडीशन फॉल्स होगी, और ये कंडीशन तब फॉल्स होगी जब ये कोड 5 times रिपीट हो चुका होगा। लेकिन दोस्तों, अगर मैं ये चाहती हूँ कि इस फॉर लूप में रखी इस कंडीशन के ट्रू होने के बावजूद भी मैं इस लूप से बाहर आ जाऊँ, तो ये कैसे पॉसिबल होगा? तो डियर फ्रेंड्स, ये पॉसिबल हुआ है लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ब्रेक और कंटिन्यू के जरिए। और इन दोनों स्टेटमेंट्स के जरिए आप जब चाहे लूप से बाहर आ सकते हैं, और जब चाहे लूप में रखी कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट और कुछ को स्किप करवा सकते हैं। यानी दोस्तों, एक लूप की नॉर्मल लाइफ कब तक होती है? जब तक के उसकी ये कंडीशन ट्रू रहेगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि लूप की नॉर्मल लाइफ एग्जीक्यूट होने से पहले ही आप लूप से बाहर आ जाएं, तो फिर ये ब्रेक और कंटिन्यू को इस्तेमाल करने से होगा। अब आइए दोस्तों, इसकी मजीद डिटेल देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट इन सी। दोस्तों, आमतौर पर इस ब्रेक स्टेटमेंट को सी लैंग्वेज में दो जगह पर इस्तेमाल किया जाता है, स्विच केस में और लूप्स के अंदर। दोस्तों, स्विच में हम इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं इसकी डिटेल्स हम लास्ट चैप्टर में आपको दे चुके हैं, लेकिन लूप्स में हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं ये आपको इसकी इस डेफिनेशन से पता लगेगा। तो ये इसकी डेफिनेशन देखिए। इन एनी लूप, ब्रेक इज यूज्ड टू जंप आउट ऑफ द लूप स्किपिंग द कोड बिलो इट विदाउट केयरिंग अबाउट द टेस्ट कंडीशन। यानी दोस्तों, लूप के अंदर जब आप ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं, तो उस ब्रेक स्टेटमेंट के इनकाउंटर होते ही कंट्रोल फौरन लूप से बाहर आ जाता है, और ब्रेक स्टेटमेंट के बाद जो भी कोड लिखा होता है उसको स्किप कर देता है। अब चाहे लूप की कंडीशन ट्रू ही क्यों ना हो, आपका कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट के इनकाउंटर होते ही फौरन लूप से बाहर आ जाएगा, और फिर लूप की बॉडी के बाद जो भी कोड होगा उसको एग्जीक्यूट करेगा। और डियर फ्रेंड्स, ये इसका सिंटेक्स देखिए। आप लोअर केस में ब्रेक लिखेंगे और ब्रेक के बाद टर्मिनेटर लगा देंगे। अब दोस्तों, ये काम कैसे करता है? दोस्तों, ये वही प्रोग्राम है जिसमें आप इन दोनों प्रिंटएफ स्टेटमेंट्स को 5 times रिपीट करवा रहे थे। लेकिन अब अगर आप इन दोनों प्रिंटएफ स्टेटमेंट्स के बीच में ये ब्रेक की स्टेटमेंट लिख दें, तो अब सबसे पहले कंट्रोल इस फॉर लूप में रखी इस कंडीशन को चेक करेगा। यानी कंट्रोल के अंदर जहाँ पर आपने आई को 0 से इनिशियलाइज किया है, तो ये चेक करेगा कंडीशन में कि क्या 0 जो है वो छोटा है 5 से। तो दोस्तों, ये कंडीशन जो है ये ट्रू होगी। अब कंट्रोल लूप की बॉडी में जाएगा, पहले वाले प्रिंटएफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन दोस्तों नेक्स्ट स्टेटमेंट में ब्रेक लिखा हुआ है, तो अब ये डायरेक्टली लूप की बॉडी से ही बाहर आ जाएगा। यानी जैसे ही ब्रेक पर कंट्रोल आया, तो चाहे आपकी कंडीशन ट्रू हो, तब भी कंट्रोल फॉरन लूप की बॉडी से बाहर आ जाएगा, और अब लूप की बॉडी के बाद जो स्टेटमेंट्स होंगी उनको एग्जीक्यूट करेगा। इस तरह ये ब्रेक काम करता है। लेकिन दोस्तों, इस प्रोग्राम में आपको ब्रेक का फायदा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ब्रेक की वजह से आपका लूप भी प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तो ये प्रोग्राम हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक दफा ही हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। यानी यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू होगी हमेशा, क्योंकि आपने 0 से इनिशियलाइज कराया है, 0 less than 5 है, कंडीशन ट्रू होगी, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, और जैसे ही ब्रेक इनकाउंटर होगा ये बाहर आ जाएगा। यानी अब आपका ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ एक दफा एग्जीक्यूट होगा, और उस एक दफा एग्जीक्यूट होने पर भी ये हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट करेगा। इससे बेहतर तो ये नहीं था कि आप जो है वो सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते बिना लूप के और उसमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देते? तो फिर दोस्तों, लूप को हमें कब इस्तेमाल करना है? यानी आप ये सोच रहे होंगे कि हम अपने प्रोग्राम में ब्रेक स्टेटमेंट्स को कब यूज करें, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में तो हमें ब्रेक स्टेटमेंट का कोई फायदा नजर नहीं आया। तो दोस्तों, याद रखिए, ब्रेक को हम उन प्रोग्राम्स में यूज करेंगे जहां हमें ये तो पता है कि कितनी बार लूप को चलना है, लेकिन अगर हमें लगता है कि किसी खास सिचुएशन पर हमें लूप को रोक देना चाहिए, तो तब हम ब्रेक को यूज करेंगे। और याद रखिए, ब्रेक स्टेटमेंट को जब हम लूप में इस्तेमाल करते हैं, तो सादा ब्रेक स्टेटमेंट के तौर पर इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हम इसे
सिर्फ और सिर्फ इस इफ स्टेटमेंट के साथ इस्तेमाल करते हैं, यानी इफ के साथ कंबाइन करके फिर ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और जब उस इफ में रखी पर्टिकुलर स्टेटमेंट ट्रू होती है तब ही ये ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। दोस्तों ये फॉर व्हाइल और डू व्हाइल का स्ट्रक्चर देखिए जिसमें हमने ब्रेक को यूज किया है। दोस्तों इन तमाम स्ट्रक्चर्स में कंट्रोल लूप की बॉडी में जाएगा, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप की बॉडी में जाएगा, स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाद कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये इसकी कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ब्रेक के पास आपका कंट्रोल आएगा और ब्रेक की वजह से कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। यानी ये तो स्टेटमेंट टू जो है इसको भी स्किप कर देगा और लूप की बॉडी से ही बाहर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल आपकी लूप की बॉडी में जाएगा, स्टेटमेंट वन को एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो अब स्टेटमेंट टू को एग्जीक्यूट करेगा और दोबारा से लूप के अंदर रखी टेस्ट कंडीशन को चेक करेगा। इस तरह से दोस्तों आप व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप के अंदर ब्रेक को इफ के साथ यूज कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों एक प्रोग्राम के थ्रू मजीद ब्रेक की स्टेटमेंट को और डिटेल में समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर अंटिल द यूजर एंटर जीरो, यानी एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें आप यूजर से इनपुट लें और जैसे ही यूजर अगर जीरो इनपुट कर देता है तो आपका प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए, यानी यूजर जीरो के एंटर होते ही आपका प्रोग्राम लूप की बॉडी से बाहर आ जाए। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर हमने दो वेरिएबल लिए हैं आई और ए, आई हमारा काउंटर वेरिएबल है, इसको हमने वन से इनिशियलाइज करवा दिया है। इसके बाद हमने व्हाइल के अंदर कंडीशन लिखी है आई इज लेस देन इक्वल्स टू 3, यानी दोस्तों ये जो प्रोग्राम है ये जो लूप है ये कितनी दफा रिपीट होगा, ये 3 टाइम्स रिपीट होगा। इस लूप में रखा ये कोड 3 टाइम्स रिपीट होगा क्योंकि ये कोड स्टार्ट होगा 1 से और स्टॉप होगा 3 से। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमने ब्रेक को भी यूज किया है, अगर आपका यूजर 0 इनपुट कर देता है क्योंकि ए के अंदर हमने इनपुटेड वैल्यू जो है वो ए के अंदर स्टोर करवाई है, तो अगर ए में 0 आ जाता है तो फिर ये जो आपका प्रोग्राम है ये स्टॉप हो जाएगा ब्रेक की वजह से, कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। आइए आप इसको रन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले एंटर किया है 4, ये 4 जो है वो नॉन जीरो है तो ये दोबारा लूप चलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लूप 3 टाइम्स चलेगा। फिर मैंने यहाँ पर एंटर किया है 5, फिर दोबारा से ये मुझसे पूछेगा एंटर एनी नंबर। अब मैंने यहाँ पर एंटर किया है 9, तो यहाँ पर ये लूप क्योंकि 3 टाइम्स चल के आपका ये कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर आ गया है, यानी इसने पूरा लूप की बॉडी के फ्लो को जितने टाइम्स इसको रिपीट होना था, जितनी टाइम्स आपकी लूप की लाइफ थी, उसको पूरा एग्जीक्यूट किया है। लेकिन ब्रेक की वजह से क्या होगा दोस्तों, अब दोबारा से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं। आपने सबसे पहले एंटर किया 4, इसने दोबारा आपसे पूछा, लूप दोबारा से चला, दोबारा कंडीशन चेक होगी, फिर दोबारा से यहाँ पर आपने एंटर किया है 0। तो दोस्तों यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू थी, इसने लिखा एंटर एनी नंबर, आपने इनपुट किया 0। अब यहाँ पर ये कंडीशन चेक होगी कि इफ 0 इक्वल्स टू 0 क्योंकि ए के अंदर आ गया है 0। अब दोस्तों देखिएगा कि आपका प्रोग्राम एग्जिट हो गया, विच मीन्स कि लूप में रखी इस कंडीशन के ट्रू होने के बावजूद भी क्योंकि इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई इसकी वजह से ब्रेक इनकाउंटर हुआ और ब्रेक की वजह से कंट्रोल लूप से बाहर आ गया और यहाँ पर इसने इसके बाद वाली स्टेटमेंट आई प्लस प्लस को भी एग्जीक्यूट नहीं किया और ना ही दोबारा इस लूप के अंदर रखी कंडीशन को चेक किया। यानी ब्रेक क्या करता है, अगर ब्रेक इनकाउंटर हो जाए आपके प्रोग्राम में तो ये लूप की बॉडी से ही बाहर आ जाता है। इस तरह दोस्तों ये ब्रेक स्टेटमेंट काम करती है। अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू कंट्रोल स्टेटमेंट की डिटेल्स देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।